हेलो गाइस, वेलकम टू बबली ब्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू, वो भी ढाबा स्टाइल से। फाइव हंड्रेड ग्राम मैंने आलू लिया था, बॉईल करके इसको रखा है। एक ही विजिल लगाई है मैंने इसमें। और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक मैंने थोड़े ऑयल में फ्राई करके इसको रखा है। अब मैं मिक्सी करूँगी। थोड़ा मैंने दही लिया है। ये मैंने मसाला बना के रखा था। इस मसाले में मैंने धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता मैंने ड्राई रोस्ट करके और सूखी मिर्च ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस के रखा था। अब हम ऑयल गरम करते हैं। अब मैं आलू फ्राई करने के लिए ऑयल डालती हूँ। डीप फ्राई करना है इसको हमने, इसलिए 3 स्पून डाल रही हूँ मैं। ये जो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक जो मैंने फ्राई करके रखा था, ठंडा हो चुका है। मैं इसको मिक्सी करती हूँ। हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला इसको पीसते हुए। पानी बिल्कुल भी, पानी का यूज़ नहीं करना। ये जो हमने मसाला लिया था, अब हम इसको दही में मिलाएंगे। इसमें दही में ये एक तो यह है कि मसाला जब मिलाएंगे ना तो दही फटेगी नहीं, अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें मैंने पहले बताया है सौंफ, धनिया, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची, तेज़पत्ता मैंने डाला था और 2-4 मैंने सूखी मिर्ची डाली थी, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था। मैंने ज़्यादा ही मसाला पीसा है। तेल गरम हो चुका है, मैं डालती हूँ उसमें तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा। गैस का फ्लेम थोड़ा कम करती हूँ और इसमें डालती हूँ हींग। हींग ही पड़ता दम आलू में। जीरा, हींग सब फ्राई हो चुका है। मैं डालती हूँ इसमें मसाला। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें, क्योंकि मैंने पहले प्याज मसाला पहले किया था, टमाटर प्याज है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ मसाला। गैस मैंने सीम किया है, डालती हूँ 1 स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दही में मिलाया है मसाला, 2 स्पून डालती हूँ मैं मिर्च पाउडर, 2 स्पून नमक। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। देखिए ऑयल पूरा ऊपर आ गया इसमें। तीन मिनट हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसमें दही जो मैंने मसाला मिला के रखी थी। सिम कर देंगे क्या इसको?
और जल्दी जल्दी मिलाएंगे इसे। जिससे हमारी दही फटे ना, ऐसे तो नहीं फटेगी। वो दही की कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी मिला के डाला है। ढाबा स्टाइल दम आलू। थोड़ा सा इसमें टमाटर सॉस डालती हूँ मैं। टमाटर सॉस डालने से सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखो कितनी अच्छी बनी है हमारी करी। तेल भी पूरा ऊपर आ चुका है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं। दम आलू बनके हमारा रेडी है। ढाबा स्टाइल दम आलू आपको पसंद आएगा, एक बार आप भी बनाइए। पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।